दिल्ली जयपुर हाईवे संख्या 48 पर अगर आप किसी से लिफ्ट मांग रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इस हाईवे पर लिफ्ट के बहाने लोगों को लूटने वाले गिरोह सक्रिय हो चुके हैं। रेवाड़ी पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इस गैंग द्वारा दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर लोगों को जयपुर, अलवर, गुड़गांवा व आसपास के क्षेत्र में लिफ्ट देने के बहाने सवारियों से मारपीट कर उन्हें लूट लिए जाने के मामले सामने आने के बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। हाईवे पर इस तरह की वारदातों की शिकायत धारुवेड़ा थाना पुलिस को पिछले कई दिनों से मिल रही थी। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एक रेंडिंग टीम का गठन किया गया, जिसके बाद फरियादी की शिकायत मिलने पर पुलिस ने वारदात में शामिल 4 आरोपियों में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस लूट की वारदात में अभी 1 आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर चल रहा है। पकड़े गए 3 आरोपियों में से एक सजाए हफ्ता आरोपी साजिद पैरोल पर था, दूसरा मेवाती सिंगर तारीफ चाहल का है तथा तीसरा पकड़ा गया आरोपी गाड़ी चालक था जो इनके कहने पर काम करता था। लाल रंग की टी शर्ट और नीले रंग की जीन्स पहने जो आरोपी पुलिस गिरफ्त में नजर आ रहा है यही मेवाती सिंगर मोहम्मद तारीख चाल का है। पकड़े गए तीनों आरोपियों को जिला न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया ताकि और वारदातों का खुलासा किया जा सके। तो आरोपी हैं ये जो पकड़े हैं इनको, ये हाईवे से अपनी गाड़ी में लोगों को बिठा के और उनसे लूटपाट करते थे, जिसमें हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया है जो मेव हैं। 3 लोगों में जो एक शाहिद है, जिस जो पहले भी मुकदमों में सजा है, जो प्रोल पे चल रहा था, ठीक है, इनके खिलाफ अभी जो लूट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की गई है वो आज पेश किया जा रहा है और आगे जो तफ्तीश है वो जारी है। ये मेव हैं बेसिकली, और एक तो जैसे बताया कि जो शाहिद है वो पहले ही सजा याफ्ता है, और एक मेवाती सिंगर है जो मेवाती में गाने गाता है, और तीसरा जो लड़का है जो ड्राइवर था वो नॉर्मल पढ़ाई करता है, जिसको इन्होंने शामिल किया है। सिंगर का क्या नाम है? जो सिंगर का नाम है तारीफ है, तारीफ जो जहल का गांव का रहने वाला है। तो कैसे दे देते वारदात को अंजाम? ये जो अपना NH8 है जयपुर से या दिल्ली से जाने वाले रास्ते से जो लिफ्ट मांगते हैं लोग, जयपुर जाना है या गुड़गांव दिल्ली जाना है, उनको बिठा लेते थे, उनको फिर मारपीट करके डर दिखा के और उनसे ATM वगैरह लेके पिन वगैरह पूछ के उनके पैसे निकालते थे, और जो भी सामान होता था फ़ोन, घड़ी, अंगूठी जो भी है वो छीन लेते थे। अभी तक कुल 2 वारदातें हमारे इन्होंने कबूली हैं और आज रिमांड लेके फिर आगे की तफ्तीश जारी है, फिर देखते हैं और क्या आता है।